मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे अपने जानवरों को लेकर कि आपको इस बात की श्योरिटी है कि ये लाजमी बिक जाएंगे। मंडी सुपर हवाई कराची में आज मुझे ज्वाइन किया अजीका ने, तो यहाँ पूछते हैं लोग क्या तासुर आते हैं। आइए। सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? हम इधर मेमार से आया। मेमार से आया, तो कैसे लगे आपको? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ पसंद आया? जी जी, बहुत पसंद आया। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह से रौनक बहाल हो चुकी है। माशाल्लाह रौनक तो बहुत ज्यादा है इस कोरोना के वायरस की में भी, इतनी ज्यादा रौनक, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे मंडी में। तो कुछ पसंद आया आपको? क्या रेट्स वगैरह पिछले साल और इस साल में कोई फर्क नजर आया? रेट्स तो मैंने अभी तक पूछे नहीं है, हम लोग अभी इंटर हुए हैं। अच्छा। लेकिन जिस तरह के जानवर हैं रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अच्छा। वैसे ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत वैसे अच्छा लग रहा है। किया था कि इतनी ज़्यादा रौनक होगी? नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी। आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं? ठीक हैं आप? करम अल्लाह का। कैसा लग रहा है मंडी में आके आपको? तफरी कर रहे हैं। तफरी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। महंगे क्या जानवर? नहीं, जानवर तो महंगे हैं यार। अच्छा, तो क्या देखते हैं आप आज, कुछ लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो यार नसीब। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर जमील भाई, तो इनसे पूछते हैं इनके पास कैसे जानवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जमील भाई, कहाँ से आए आप? हम आए हैं सुपर हाईवे से। सुपर हाईवे से आपका फॉर्म है वहाँ पे? जी फॉर्म है सर। अच्छा, तो कौन सी नस्लें हैं आपके पास? हमारे पास हर ब्रीड है सर, बिल्कुल बाहर की भी है, चुलस्तानी भी है, हमारा दूध का कारोबार। अच्छा। हमारे पास जो है ना दूध वाला टब टोटल मिला के 12,000 माल है। 12,000 अभी भी इस वक्त है आपके पास? जी जी अभी भी है। यहाँ कितने जानवर लाए आप? इधर लाए 150 जानवर। 150 जानवर तो कुछ बिके अभी क्या? जी माशाल्लाह 20-25 जानवर बिके हैं सर। कैसा लग रहा है आपको पिछले साल और इस साल में? इस साल में थोड़ा स्लो चल रहा है कोरोना की वजह से, मंडी में जानवर बहुत कम आया हुआ है अभी तक। पहले जो है ना जानवर आता था 18,000, अभी गाड़ी पहुंची 8,000 रुपया। जी जी, मंडी अच्छी रहेगी। अच्छा, मुझे बताएं ये कितने का जानवर है? सर ये जोड़ी का मांग रहा 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपए? जी जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 9 लाख रुपए की जोड़ी है, भी 75 लाख वाली जोड़ी भी है, 20 लाख भी है आपके पास, दिखाएंगे? अगर हाँ खुलवा लेते हैं, दिखा देते हैं, देखने के पैसे तो लिए भाई। अच्छा अच्छा, नहीं दिखाए ताकि नाज़रीन देखे। हाँ, सबसे पहले अपना नंबर बता दें और नाम बता दें। किसका नंबर बता दें अपना? 0301-3279-484। अच्छा जी जी, हर वैरायटी हमारे पास सर, 2.5 लाख तुला आते 20 तक है। अच्छा, कैटल का नाम भी बता दें? सेंट डेयरी कैटल फार्म। सेंट डेयरी कैटल फार्म में नाज़रीन में मौजूद हूँ और आपके पास नंबर आ चुका है। जी जी। और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनके बहुत अच्छे जानवर हैं। कितने से कितने तक के हैं आपके पास? हमारे पास सर 20 लाख तक लाते, 2.5 लाख तक का है। अच्छा जी जी, मुझे दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, चलिए नाज़रीन दिखा दें। कितने का ये सर? ये बछड़ी का मांगो 4.5 लाख रुपया, फाइनल इरादा है 3.5 तक। और इसके बराबर वाली 07 जी, और इसके जो है ना मांगो 7 लाख रुपया, इरादा है 4 तक फाइनल। ये कितने मन की है, कितने दांत है ये? ये दांतों में 4 है, बछड़ी का बताने 8 मन। जी जी जी, आपने नंबर लगाया, मैं पहचान है इसकी? ये टोकन नंबर होता है सर, जानवरों का हिसाब होता है ना, जैसे सनाटी कार्ड बनता है रिकॉर्ड में, कंप्यूटर में होता है। आप देख रही है माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ तो हर जानवर मुझे एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह से सभी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। अच्छा, तो कोई जमील भाई से कुछ पूछना चाहती हैं आप तो पूछ सकती हैं। मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप मतलब इनकी खुराक में क्या शामिल करते हैं, क्या देते हैं इन्हें, स्पेशली कोई स्पेशलिटी हो जो आप देते हैं? हमारे जी जानवर की जो है ना अपनी फीड है, अपने फीड की फैक्ट्री है, जो अच्छा जानवर है तो उसको दूध मक्खन पिलाना पड़ता है, बाकी अपना राशन होता है, सबको जो है ना बाहर से इम्पोर्ट कराते हैं, मलेशिया से। जी अच्छा, मलेशिया से मंगाते हैं? जी जी, बाकी जो अच्छा जानवर है उसको दूध पिलाना पड़ता है, 20-25 जानवर नाम के लिए रखते हैं। हाँ, सब जानवरों को दूध मक्खन नहीं देते, अच्छे जानवर को देते हैं। हमारा दूध का कारोबार है, गाय के बच्चे के पैसे नहीं लगाते, राशन के पैसे लगाते हैं। चलो और दिखाएं मुझे जानवर। जी जी, और दिखा। डरा नहीं करो जानवर?
तो नाज़रीन देख सकते हैं माशाल्लाह से आप इसकी हाइट से इसके वजन से। तो जमील बताएं ये कौन से जानवर है, कौन सी नस्ल है माशाल्लाह से? सर ये बच्चे जो है ना, एक देसी बच्चा है, एक जो है ना बराबर वाला जो है ना वो है ब्रेमन ब्रीड। ब्रेमन जी जी, बच्चों को बताने 25-25 मान गोश्त में। अच्छा, तो कितने रही आप? जोड़ी का इरादा है 75 लाख का। 75 लाख रुपए जी जी, अच्छे पैसे मिलेंगे तो सही है। वापस कोई प्राइस लगे नहीं लगे? जी लग रहे हैं सर। कितने लगे अभी? जोड़ी का 45 लगा है सर। 45 लाख रुपए जी जी। तो मुझे तो यानी सिब्बी लग रहा है, सिब्बी का क्रॉस तो नहीं? नहीं सर, ये सिब्बी में नहीं होता। तो क्या कहती है आप माशाल्लाह से, आपने देखा है इतना बड़ा जानवर? मतलब अगर आप बेचना चाहें लास्ट अपने क्या कर लेंगे? जी जी 45 कह रहे, 55 दे रहा है। आप माशाल्लाह से आया हजीका? हजीका खड़ी करते हैं, देखें आप माशाल्लाह से कैसा लग रहा है आपको? हजीका डर रही है? नहीं डर रही? हाँ थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है, लेकिन बाकी बहुत मजा आ रहा है। ये कुछ कहते नहीं है इनके पहले, मासूम से हैं ये लोग। ये मासूम होते हैं, बड़ी मेहनत होती है बच्चों पे जो है ना, 24 घंटे सफाई, हाथ कपड़ा तौलिया, ये बहुत। तो ये जमील आपने बड़े दिल से पाला हुआ है। बहुत दिल से सर। स्पेशली इसको क्या खिलाते हैं? इसको दूध मक्खन चने का छोला अभी भी खिलाते हैं? अभी भी देते हैं सर 5 किलो दूध। अभी किस किस टाइम पे देते हैं ये सर? देते हैं 3 बजे खाने के बाद, दिन को दिन में एक टाइम देते हैं। दिन सुन सकते हैं, आप भी पाल सकते हैं अगर आप चाहें पालना तो। मगर सर ये बहुत, वो जानवर जिनको आप दूध मक्खन देते हैं और वो जानवर जिनको नहीं देते, उन दोनों में क्या फर्क? वो दूसरी जो ब्रीड होती है वो इतना बड़े नहीं है, हाइट में नहीं जाते। अच्छा, अच्छा। हाँ जो अच्छा जानवर है तो उसको। मेरी 5-6 हाइट है और माशाल्लाह से ये मुझसे भी थोड़े से डॉलर हो रहे हैं। अभी ये बच्चा जो बराबर में खड़ा हुआ है अगले साल की भी गुंजाइश है, अच्छे पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा, नहीं वापस ले जाऊंगा। ये वापस भी ले जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। दो दांत है? ये सर दांतों में अभी 6 हो गए, बड़ा जानवर 6 में होता है, 2 में नहीं होता। अगर आपको आपके मतलब के पैसे नहीं मिलते आप ले जाएंगे? जी जी बिल्कुल, दुआ करना इंशाल्लाह पहले तो मिल जाए। इंशाल्लाह जिसके नसीब में होगा ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिक जाएंगे सर, जिसके नसीब में होगा दिन में होगा बिल्कुल ले जाएंगे। जी जी, और मुझे दिखाएं ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे। जी 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 बिल्कुल, मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे अपने जानवरों को लेकर कि आपको इस बात की श्योरिटी है कि ये लाजमी बिक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये नहीं देख रहे कि आपको मार नहीं रहे, हिल नहीं रहे? पूरी मंडी में ऐसा बच्चा नहीं है। अच्छा, मेरे देखे सिब्बी की हाइट होती है नॉर्मल देसी बच्ची? ये देसी में कम होती है, ये ब्रेमन ब्रीड होती है, सिब्बी में हाइट होती है। मगर ब्रेमन है, ये ब्रेमन ब्रीड होती है, बाहर की होती है, इम्पोर्ट कराए सर। अच्छा, बाहर से? बाहर से। थोड़े डेंजरस है लेकिन बाकी इनके पास मैंने खड़े होकर देखा बहुत मासूम है, मीन्स बहुत ज्यादा।